मैंने व्लॉग खत्म कर दिया था, पर इन लोगों को मैं महाकाल का ज्ञान दे रही हूँ, देख लो। और ना इतना फनी चल रहा ना, मैं अपनी लैंग्वेज में दे रही हूँ, तो देखो अपनी लैंग्वेज में। देखो स्टोरी नहीं सुनी, ये जेन्युइनली स्टोरी है कि पार्वती माता ने, जब शिव जी ने श्राप दिया कि तूने मेरे से झूठ बोला, अब तेरे को मछुआरों के घर जाना होगा, मतलब पैदा होना पड़ेगा, और उसके बाद मैं तेरे से शादी करूंगा। नहीं, जो आज मेरे पापा बना रहे हैं, क्या बना रहे हो? रोज बना के अपने काम वाले को, तीनों चारों को गर्मी में प्याऊ लगाना है। सेवा करती है ना काम वाले, तो पापा बड़े वो रखे हैं। बाबू को रोना मत, बस पापा रोना मत। गर्मी में मर रही है वो, ये वो बना रहे हैं। हाँ, इनको पिला दिया। इधर आ, इधर आ। और आप तो पिज्जा का बड़ा दूर वो वाला बड़ा दूर मीठा हो गया ना। गाइस अब पापा में आ रहे हैं, भाई कर लो। वो बस इनमें हलवाइयों में काम चला गया, पर वो भेषभूषा नहीं गई। भेषभूषा पापा मम्मी ने क्या बनाया दोपहर को? अभी क्या पड़ा हुआ है? ये स्पेशली हमारे घर के हाउस हेल्पर्स के लिए बना है, क्योंकि वो इतनी मेहनत से काम करती है। पापा गर्मियों में छबीली बांटते थे, बिल बांटते हैं ना पापा, पर उनका मौका पूरा नहीं तो अब बांट। समझ गई पापा, मैं इतना भी बर्फ जमे हुए हैं फोन में, फ्रिजर में रखी है। ये पापा एक दो रख देते हैं, इससे बर्फ। इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर लाइन में खड़ी करते हैं। सबको लाइन में खड़ी करेगी। पापा वहाँ किस तरह डाल रहे हो लिक्विड पोरर घर पे पड़ा है, जो मटके वो मंगवा लो। आरती रसोई से लिक्विड पोरर ला दे इन्हें मटके वाला। पापा देखो मेरे को तो ग्लास पे टेढ़ा लग रहा है। भैया इस लोग जैसा देख सोगा नोट दे, गिल्ला गिल्ला दे। आंटी को दे, चल आंटी को पकड़ाती जाना, ट्रे का दे दिया। बताना कैसा बना। गाइस अब आशा आंटी आ रही है। मम्मी की बात याद आ गई आरती, मुझे पापा को बताएंगे अभी। आंटी ये लो, आरती दे पहले आंटी को दे, लो लो ले लो। और पी के बताना कैसा बना। गर्मी में बढ़िया ना, एक नंबर। बिना चीनी के रोज बना के पिलाना है तो सबको आरती। पापा की बच्ची हूँ मैं, केरियल वाइफ की बच्ची हूँ। गाइस जिस दिन आप हमारे घर पे पापा होते हैं ना, आप ये देख लो, वो तो एक और अपना खाना खाते आ रही है। दे आंटी को दे, लो लो अपने लिए रखा, मैं ये दे दूँगा। पी के बताना कैसा है, थोड़ा ये ले, ये लो दूसरा डल गया। बच्चे भेज दो जरा। हाँ, और बबी दूसरी बबी दा आंटी भी दूसरा ग्लास भी पिया जा रहा है। यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये वही दो आंटियाँ जिन्होंने चीनी कम बोली थी, ये भी नोट करा जा। पापा आरती के हाथ में मत गिरते ना। आंटी पी के जरूर बताना कैसा है। कनिका को बता, कनिका को बता, सलोनी पी के बता बहन कैसा है।
वो भी पीके बताएगी। आंटी बढ़िया, इनको मीठा कम लगेगा। नहीं उन्होंने कहा सही है, डाला भाई सिर्फ ये डाला दूध और ये, इनको तो बढ़िया लगा देखो ठंडा ठंडा वगैरह ठीक है। तो जबरदस्ती बुलवा ले पापा, उस दिन मैंने आलू बनवाए जबरदस्ती बुलवा रही थी गंदे बने, आज आपने छब्बीस बनवाए जबरदस्ती बुलवा रही है। गाइस अब मैं खा रही हूँ अपना ब्रंच, विच इज खिचड़ी दही विद पापा मासी एंड माय फैमिली। हम लेने आए पनीर फ्रॉम पप्पू डेयरी, आरती लेने गई है, ज्यादा गर्मी है। आरती देखिए उधर एक बार, बहुत गर्मी है आज। गाइस अभी हम दाल मोठ भी खा के जा रहे हैं, यहाँ की भैया बना रहे हैं। गाइस तो ये 20 रुपए की दाल मोठ। सो पीपल रात का डिनर है आज मेरे ऊपर, अभी मैंने बनाई है यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी और मेरी कोल्ड कॉफ़ी, और तैयारी हो चुकी है हमारे पनीर वाले सैंडविचेस की। इस पे ओरिगानो और पेरी पेरी मसाला मैंने डाल के रख रखा है। यहाँ पे कुछ अनियन गोल गोल काटे हैं, कैप्सिकम भी गोल गोल अनियन आरती ने काटे हैं, ब्रेड। बस अब हम सैंडविच बनाते हैं, कोल्ड कॉफ़ी को रख के आते हैं फ्रिज में। सैंडविच बन के रेडी हो गए, एक गार्लिक ब्रेड भी बनाई है हमने और कोल्ड कॉफ़ी भी आ रही है, गार्लिक ब्रेड आरती बना रही है चिल्ली वाली। गर्मी है लिटरली बहुत गर्मी है। हमारा डिनर रेडी है, आरती को अच्छा लगा, सही लगा, मम्मी भी खा रही है। आज मैंने भाई लेके आया केरेत ऑरेंज बार, मेरे को बड़ी क्रेविंग हो रही थी और मैं बैठी हूँ नीचे चाची जी के साथ, तो एंजॉय करो। सो हे पीपल, ये ब्लॉग यहीं तक का था। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, डू कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।